हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ का पाठ है एक का कबीर दास जी का पढ़ेंगे। यह हमारा काव्यखंड है। काव्यखंड में कबीर दास जी का साखी सखियां आप लोग पढ़ चुके हैं, साखियां। और शब्द में जो पद है, शब्द में जो पद है उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग मोको कहाँ ढूंढे बंदे से लेके श्वासों की श्वास में तक पढ़ चुके हैं। अब हम संतों से पढ़ेंगे। ओके, तो संतों से देखते हैं। फर्स्ट में पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें अज्ञान रूपी अज्ञान हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी बादल को कैसे हटता है, अज्ञानता भगवान रूपी प्रेम और उनकी ज्ञानता ज्ञान से कैसे हटता है, यही इस कविता में कहा गया है। कैसे कबीरदास जी कहते हैं बेटा, देखते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, हे संतो भाई आई आई ज्ञान की अंधेरे। देखो देखो कैसे ज्ञान आया, ज्ञान की आंधी आई, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान आया, उससे क्या होगा, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहे न बांधी। हमारे अंदर जो भ्रम की टाटी है, भ्रम का जो जाल है, भ्रम की टाटी यानी घर में जो गांव में बेटा जो हम लोग झोपड़ी बनाते हैं उसी में टाटी लगा रहता है सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे जो अंदर भ्रम की टाटी है वो क्या हुआ, ज्ञान रूपी आंधी से उड़ गया, माया रहे न बांधी। और अज्ञान रूपी रस्सी भी, अज्ञान रूपी रस्सी की माया जो है वो भी नहीं बांध सकी, किसे, ज्ञान को। यानी ज्ञान ने माया रूपी माया को भी हटा दिया, यानी माया भी अपनी रस्सी से नहीं बांध सकी, किसको, ज्ञान को। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो हमारे अंदर मोह माया सब खत्म हो जाता है बेटा। तीसरा, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परिघर उपरी, कुपति का भांडा फूटा। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, हमारे अंदर जो हित है, हमारी अज्ञानता में जो हित है, अपने स्वयं का हित द्वैथुनी गिरानी, उसकी थुनी क्या हुई, गिर गई। थुन्नी, थुन्नी जो थुन्नी लगता है बेटा, घर गांव में जो झोपड़ियाँ रहती है उसमें थुन्नी लगता है ना ऐसे, तो थुनी गिरानी, अज्ञान रूप मोह बलिंडा टूटा। यानी जब ज्ञान आया हमारे अंदर प्रभु की रूपी प्रेम रूपी ज्ञान, तो हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, हमारे हित चित्त हमारे अंदर की जो हित था उसकी थुनी गिर गई और हमारे अंदर का मोह टूट गया। बलिंडा, बलिंडा मतलब सपोर्टर जो होता था, यानी ऐसे और ऐसे, ये बलिंडा, तो बलिंडा टूट गया बेटा। तृष्णा छान पर घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा, हमारे अंदर जो तृष्णा थी, तृष्णा रूपी अज्ञानता तृष्णा थी, उसकी छान यानी उसकी छत क्या हुआ, घर की ऊपरी, घर के ऊपर की जो छत थी, यानी कौन, वो छत कौन थी, तृष्णा। हमारे घर की ऊपरी जो छत थी वो उड़ गई, टूट गई। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारे अंदर कुबुद्धि थी, मूर्खता थी, उसका क्या हुआ, वो खत्म हो गया, उसका भांडा फूट गया प्रभु रूपी ज्ञान में आने से, ज्ञान के प्रकाश में। आते हैं बेटा अब जोग, देखिए जोग, जोग जुगति करि संतो बांधे, निरचुचुए न पाड़ी, जोग जुगति करि संतो बांधे, जोग जुगति प्रभु। यानी जोग में क्या होता है, संत जुगति करि संतो बांधे, निरचुचुए न पाड़ी। इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमारे अंदर जो होता है अज्ञान रूपी, यानी संतों के प्रकाश में, संतों के साथ में आने से हमारी क्या हुआ, हमारा अज्ञानता दूर हो गया। कैसे, जैसे निरचू चुएन पानी, जैसे
बिना पानी की एक बूंद भी नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। देखिए कैसे कूड़ कपट हमारे अंदर, जो कूड़ कपट था, जो कपट था, कपट यानी किसी के प्रति द्वेष कपट, तो कपट था काया का निकस्या, और काया में शरीर, हमारे शरीर में जो कूड़ कपट था वो दूर हो गया। जब हरि की गीत जब जाने, जब हरि यानी प्रभु, प्रभु के गीत में, प्रभु के प्रेम में जब हमने जाना, प्रभु के प्रेम को, विज्ञान को, उनके अंदर उनके प्रेम को, तो हमारे अंदर की जो कूड़ कपट थी वो दूर हो गई। कहने का मतलब है कि जो जुगत कर संतो बाधी, संत को भी संतों के रूप में, संतों के साथ आने में, और संतों को भी नहीं बांध सका, संतों को नहीं बांध सका। संतों कहने का मतलब है कि संत में ज्ञान होता है तो संतों में नहीं बांध सकता, जैसे बिना बूंद के पानी का कोई प्राणी नहीं सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या, और कूड़ कपट हमारे शरीर का जो कूड़ कपट था वो भी दूर हो गया, जब हरि के गीत जब गाने, जब हरि में प्रभु के गीत में, प्रभु के प्रेम में जब आया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तखीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, हमारे शरीर में, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी आंधी है वो दूर हो गई। कैसे? जब प्रेम रूपी जल बरसा। कहने का मतलब बेटा, जब आंधी आती है तो चारों तरफ धूल ही धूल होता है, और जब बरसात आती है तो यही पानी की बूंदें क्या होता है, आंधी को साफ करके आसमान को साफ कर देती है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी आंधी है वो भगवान के प्रेम रूपी जल से वो आंधी उड़ गई। कैसे? कि जब हमने प्रेम हरिजन बिना, जब हमारा प्रेम हरि में प्रेमित हो गया, यानी हरि में जब हमने अपने प्रेम को भिगो दिया, तो हमारा मतलब हमने अपने पूरे शरीर को, जल यानी शरीर, जब हरि के प्रेम में हमने अपने पूरे शरीर को भिगो दिया, तो हमारी जो आंधी रूपी अज्ञानता थी वो उनके ज्ञान रूपी जल से दूर हो गया, प्रकाशमान हो गया। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमखीना। कबीर दास कहते हैं कि भान के प्रकटे उदित भया तमखीना, हमारे उदित भया तम, तमस अंधकार, हमारे अंदर जो अंधकार था ज्ञान रूपी अंधकार, ओ भान के प्रकटे उदित भया, जब प्रभु के ज्ञान रूपी प्रेम से ज्ञान रूपी जब प्रकट होता है उनका ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, तो हमारे अंदर जो तम था, अंधकार था, वो दूर हो गया, समाप्त हो गया। तो बेटा इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और बहुत हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, इसको वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा बेटा केयरफुली। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे ज़रूर बात करिए, और पढ़िए अच्छे से इसको, आप लापरवाही मत लीजिएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है साल, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा। ओके, धन्यवाद।